हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे। जैसे कि आप सभी जानते हैं, पैटर्न बदल गया एग्जाम का, तो ये पार्ट टू का है क्वेश्चन आंसर हिंदी का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑब्जेक्टिव, संजीवनी निम्नलिखित में से कौन सा काव्य है? तो आंसर होगा खंड काव्य। आरसी प्रसाद सिंह की रचना है तो संजीवनी। संजीवनी काव्य का प्रारंभ होता है देवासुर संग्राम से। और चौथा नंबर है, दानव सेना किस पर आक्रमण करती है? तो अमरावती पर, ठीक है। और शुक्राचार्य कौन थे? तो दानवों के गुरु। और कच्छ कौन था? बृहस्पति के पुत्र। और भारतीय संविधान के अनुसार हिंदी राष्ट्रभाषा है या राजभाषा? तो आंसर होगा राजभाषा, ठीक है। संजीवनी का प्रकाशन कहाँ से होता है? तो आंसर है तारामंडल, पटना, ठीक है। और बिहार के राजभाषा है हिंदी। देवयानी किसकी पुत्री थी? तो शुक्राचार्य की। कच्छ कितने वर्षों तक शुक्राचार्य के आश्रम में रहा? तो आंसर होगा सहस्त्र वर्ष। शुक्राचार्य को कितनी बार संजीवनी का आह्वान करना पड़ा? तो आंसर होगा 3। संजीवनी विद्या प्रारंभ कर कच्छ सर्वप्रथम किसे जीत करता है? तो आंसर होगा शुक्राचार्य को। और संजीवनी विद्या प्राप्त कर कच्छ सर्वप्रथम किसे जीवित करता है? ये तो हो गया। देवयानी के समक्ष कच्छ अपनी तुलना किससे करता है? तो जलधार। और कच्छ देवयानी को किस रूप में देखता है? तो बहन के रूप में। संजीवनी काव्य का स्रोत है महाभारत। और संजीवनी का प्रतिपाद है तो कच्छ देवयानी प्रसंग। और जानकी वल्लभ शास्त्री का जन्म बिहार के किस जिला में हुआ? तो मुजफ्फरपुर। कच्छ कहाँ का रहने वाला है? तो आंसर होगा अलकापुरी। और संजीवनी काव्य का नायक कौन है? तो आंसर होगा कच्छ। बृहस्पति कौन है? तो आंसर होगा कच्छ के पिता। संजीवनी काव्य की नायिका है तो आंसर होगा देवयानी। कच्छ शुक्राचार्य संवाद किस सर्ग में आया है? तो आंसर होगा तीसरे एवं छठे सर्ग में। आरसी जी ने किसे कवि और काव्य कहा है? तो आंसर होगा शुक्राचार्य। संजीवनी की रचयिता है? आंसर होगा आरसी प्रसाद सिंह। और संजीवनी की कथा कितने सर्गों में है? तो आंसर होगा 9। संजीवनी विद्या के ज्ञाता कौन थे? तो आंसर होगा शुक्राचार्य। शुक्राचार्य के पास संजीवनी विद्या सीखने कौन जाता था है? तो आंसर होगा कच्छ। शुक्राचार्य संजीवनी विद्या का प्रयोग किसके हित में करते थे? तो जो होगा दानवों के। शुक्राचार्य की पुत्री का नाम क्या था? तो आंसर होगा देवयानी। संजीवनी काव्य के संबंध किस किस बात से है? तो आंसर होगा देवासुर संग्राम। कच्छ को देखकर देवयानी में कौन सा भाव जगता है? तो प्रेम का। कच्छ किसका पुत्र था? तो आंसर होगा बृहस्पति का। कच्छ शुक्राचार्य के पास क्यों गया था? तो संजीवनी विद्या प्राप्त करने। शुक्राचार्य का शिष्य बनने में कच्छ को किससे सहायता प्राप्त हुआ? तो शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी से। कच्छ को किसने मार दिया? तो आंसर होगा दानवों ने। दानव बालकों द्वारा मार दिए गए कच्छ को किसने पुनर्जीवित कर दिया? तो शुक्राचार्य ने। कच्छ को मारकर दानवों ने उसके अस्थि मांस को जलाकर किसके पेट में मिला दिया? तो शुक्राचार्य के। शुक्राचार्य के मर जाने पर उन्हें किसने जलाया? तो कच्छ ने। संजीवनी विद्या प्राप्त कर लेने के बाद कच्छ क्या चाहता था? तो ऐसा होगा देवलोक लौट जाना। और देवयानी क्या चाहती थी? तो कच्छ से विवाह करना। और कच्छ क्या चाहता था? तो देवलोक लौट जाना। और देवयानी ने कच्छ को क्या श्राप दिया? तो संजीवनी विद्या फलीभूत नहीं होगी। कच्छ ने देवयानी को श्राप दिया क्षत्रिय की पत्नी बनने का। कच्छ के देवलोक लौटने के बाद हुई देव दानव युद्ध में
किसकी जीत हुई? तो देवताओं की, पाषाणी 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 का है ये, पाषाणी गीति काव्य के कवि हैं जानकी वल्लभ शास्त्री, वो संजीवनी का था, ठीक है। और दो पार्ट है संजीवनी पाषाणी। और कला किस दृष्टि में पाषाणी है? गीति काव्य, गंगा वतरण, संगीति का के रचनाकार कौन है? तो आंसर होगा जानकी वल्लभ शास्त्री। और गंगावतरण के नायक है, तो आंसर होगा भागीरथी। और भागीरथ के पुत्र थे राजा दिलीप, और भागीरथ ने गंगावतरण के लिए कहाँ तपस्या की थी? तो आंसर होगा गोकर्ण तीर्थ में। और उर्वशी क्या है? तो संगीत काव्य। और उर्वशी संगीत में कितने दृश्य है? तो आंसर होगा चार। पुरुरवा किस काव्य का पात्र है? तो आंसर होगा उर्वशी, मेनका। और रंभा किस काव्य का पात्रा है? तो उर्वशी। पाषाणी किसे कहा गया है? तो अहल्या को। और उर्वशी के का वर्णन किस पाठ्य पुस्तक में है? तो आंसर होगा पाषाणी। और अहल्या को पाषाणी क्यों कहा गया है? तो आंसर होगा पाषाण मूर्ति बनने के शाप के चलते। और मल्लिका किस संगीति की पात्रा है? तो आंसर होगा पाषाणी संगीति संगीत। संक्षेपण में उद्दित अंश को लिखा जाता है? आंसर होगा, एक मिनट, लिखा जाता है आंसर होगा कम करके। प्रारूपण का अर्थ है कार्यालयी प्रारूप। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर। 14 नवंबर किसकी महत्वपूर्ण है? तो बाल दिवस। गंगावतरण की कथा किस काल की है? तो आंसर होगा पौराणिक। कपिल मुनि को किसने अपमानित किया करना चाहा? तो आंसर होगा भगीरथ के पूर्वज ने। और किसके तप से गंगा स्वर्ग से पृथ्वी पर उतरी? तो आंसर होगा भगीरथ के। और तपस्यारत भगीरथ के समक्ष कौन प्रकट हुई? तो आंसर होगा ब्रह्मा ब्रह्मा। और भगीरथ के तपस्या का उद्देश्य क्या है? तपस्या का उद्देश्य क्या है? तो लोक कल्याण। उर्वशी का कथानक कितने दृश्यों में विभक्त है? तो आंसर होगा चार। क्रंदन करती अप्सराओं को कौन सांत्वना देता है? तो आंसर होगा पुरूरवा। और उर्वशी के उद्धार के प्रति आशंका कौन व्यक्त करती है? तो आंसर होगा चित्रलेखा। और चित्रलेखा के आशंका को कौन निर्मूल निर्मूल प्रमाणित करती है? तो आंसर होगा सुकेशी। और पुरूरवा राजोद्यान में किसके साथ टहल रही है? तो आंसर होगा गणेश विदूषक। और विदूषक पुरूरवा को उद्यान में किस कामिनी के आगमन के बारे में बताता है? तो आंसर होगा रंभा के। और लक्ष्मी स्वयंवर नाटक में अभिनय करने के लिए उर्वशी को कौन बुलाने जाती है? तो आंसर होगा मेनका। और मेनका और लक्ष्मी स्वयंवर नाटक में लक्ष्मी की भूमिका कौन निभाती है? तो आंसर होगा उर्वशी। और अभिनय में उर्वशी की अवयमन्यष्कता पर कौन उसे उलाहना उलाहना देता है? तो आंसर होगा भरत मुनि। पुरूरवा के प्रति उर्वशी के मन में राग होने के बाद भरत मुनि को किससे ज्ञात होती है? तो आंसर होगा रंभा से। उर्वशी को शाप कौन देता है? तो आंसर होगा भरत मुनि।
पाषाणी की कथा वस्तु किस काल की है? तो आंसर होगा पौराणिक अहिल्या किसकी पत्नी है? गौतम की, और अहिल्या के साथ इसका आंसर यहाँ पे है गौतम की। अहिल्या के साथ किसका अवांछनीय संबंध अहिल्या को कलंकित करता है? तो इंद्र का। अहिल्या किसके शाप से पाषाणी बन जाती है? तो आंसर होगा गौतम के। गौतम ऋषि के आश्रम में रहने वाली राजकुमारी मल्लिका अहिल्या के पास क्यों जाती है? तो आशीर्वाद प्राप्त करने हेतु स्वप्न तरंगों में प्रवाहित अहिल्या से कौन प्रणय निवेदन करता है? तो आंसर होगा इंद्र। अहिल्या किसका सपना सदा देखती है? तो आंसर होगा इंद्र का। अहिल्या के लिए तापसी शब्द का संबोधन किसके द्वारा हुआ है? तो आंसर होगा मल्लिका द्वारा। अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही वीडियो पाने के लिए, क्योंकि मैं यही सब का वीडियो डालती रहती हूँ, और दैनिक जागरण भी सुबह को रोज़ मिलेगा, ठीक है? और अगर दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं आप, अगर पसंद आए तो। धन्यवाद। और आप ऐसे ही हिंदी का भी वीडियो मैं डालूँगी अगर, तो ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक